तो भाई 4000 की सब्जियां लेके गए थे। देखिए 5, 10 मतलब 5-5 सौ का नोट है, 15, 20, 25, 30 आलू टमाटर भिंडी बरबटे 20 रुपया किलो। सो गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 3 और आज हम लोग जाने वाले हैं ठंडन का बाजार। और मैं जो है सब्जियां लेके मार्केट से आ चुका हूँ। आपने अगर पिछला व्लॉग मेरा नहीं देखा कि सब्जियां मैंने कितने का खरीदी, कितने में खरीदी और कहाँ से खरीदी, तो उसको जाके देख सकते हो। और आज गाइस मैं लेके आया हूँ 4200 की सब्जियां, मतलब 4200 रुपये की सब्जियां लेके आया हूँ बेचने के लिए। बहुत सारा सब्जियां लेके आया हूँ भाई साहब बेचने के लिए। और अभी मंडे है, मतलब कि ढंढन का बाजार अभी जाने वाला हूँ उसको बेचने। प्रदीप भाई के ऑटो में उसको डाल दिया हूँ, जिस भाई के ऑटो में जाता हूँ मैं, किराया उसको देता हूँ ऑटो का मैं, तो उसी के ऑटो में जाने वाले हैं उसको बेचने के लिए। और सब्जी जो है कैसा है और कौन कौन सी सब्जियाँ लेके आया हूँ और कितने दाम में ख़रीदा हूँ, ये सभी चीज़ें जो है उसको मैं मार्केट से बेच के आने के बाद आप लोग को घर में बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, है ना। और 4200 के सामान को बेचने के बाद अपने को कितना प्रॉफिट मिलता है और क्या ये सभी सब्जियाँ मतलब एक ही दिन में बिक पाएंगी इतनी सारी सब्जियाँ कि नहीं, ये सभी को देखने के लिए ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो अभी सामान वामान को अपना पैक करते हैं, बस ऑटो आए फिर यहाँ से निकलते हैं भाई लोग। चलो भाई साहब देखिए सब सामान को जो है पैक करके यहाँ वेटिंग में लगे हुए हैं भाई साहब के। ये बहुत टाइम में आया था यार, भयानक लेट कर दिया यार, आगे ट्राईपोर्ट को लेने जाना है यार मेरे को, ट्राईपोर्ट को लेने जा रहा हूँ भाई। पप्पू दे ट्राईपोर्ट ला, ट्राईपोर्ट मिल गया यार, चालू है, मिल गए भाई ट्राईपोर्ट मिल गए। चल चलिए भाई, देखिए ट्राईपोर्ट लेने गया था घर के अंदर भाई से मंगने के लिए, तो इसी में वीडियो बनाऊंगा आज जो है, मेरा नहीं है ट्राईपॉड जो है वो भाई का है ट्राईपोर्ट। सो गाइस पहुंच चुके हैं मार्केट में, देखिए पूरा मार्केट खाली है भाई साहब, कोई नहीं आया है, हम ही लोग सबसे पहले आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। सामान को पहले आंखों से चलो जल्दी जल्दी खाली करते हैं, और ये पीछे जो है यहाँ पास लगेगा मेरा दुकान, पूरा खाली है। चलो पहले गाड़ी को गाड़ी सामान को खाली करते हैं। सभी सब्जियों को उतार लिया है मैंने नीचे, चलिए अब दुकान को अपना लगा लेता हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और देखिए मैं जो मेरा जो दुकान है वो लग गया है, सभी सामान को जो है मैं अच्छी तरीके से जमा लिया हूँ। और बाकी जो सब्जी वाले हैं वो देख सकते हैं पीछे की ओर, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ऐसा है कि मैं क्या क्या सब्जी आज लेके आया हूँ उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्वालिटी कैसा है और कितना जो है बेच रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है अपना शॉप, आलू जो है बेच रहे हैं 25, भाटा बेच रहे हैं भाई 30, मुनगा बेच रहे हैं 20 रुपये, टमाटर है 40 रुपये किलो, और बरबट्टी है भाई 30, 25, 20 जैसा मार्केट चले, और भिंडी 20, परवल 30 रुपये किलो। इस प्रकार से कुछ रेट है। चलिए मार्केट को घूम के आते हैं और देख के आते हैं कि कितनी सब्जियां आज मार्केट में आई हुई है और क्या रेट बाकी लोग जो है बेच रहे हैं, ताकि जिससे अपने को सब्जियाँ बेचने में आसानी हो। चलो क्या रेट आलू, अब करेला भैया ठीक है, टमाटर का रेट चला था 30, 30, अब मुनगा अब भैया भिंडी एक कट्ठे जमा था जमात है भाई, कैरेट भिंडी भिंडी 20 रुपये भाई 20 रुपये, हाँ कैरेट आलू सेठ भैया जी हैं 30 रुपये भाई। पूरा मार्केट घूम के आ गए, अच्छा खासा आज जो है मार्केट में सब्जी आया हुआ है, और बात ये तो बहुत कम कम
रेट में भी लोग बेच रहे थे, टमाटर 30 रुपये किलो और मुनगा जो है 50 रुपये किलो, करेला 40, यही सब रेट में बिक रहा है। अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है, मतलब अभी तक भूमि हुई नहीं है। देखते हैं पहला कस्टमर कब तक अपना पहुँच पाता है। भाई पहले कस्टमर है मेरे बोनी होने वाला है, इसलिए इनको डिस्काउंट दे दिया मैं। भिंडी 20 रुपये किलो के, आलू ले जाओ 30 रुपये, भाटा ले जाओ 30 रुपये, मुनगा ले जाओ 20 रुपये, टमाटर ले जाओ 40 रुपये, बरबट्टी 30 रुपये, भिंडी 20 रुपये और परवल ले जाओ 30 रुपये। अरे मोर सस्ता बेचने आता थे ना, जल्दी बेचो घर जाओ। भाई साहब 200 रुपये का नोट देख सकते, मोहनी हो चुकी है आज। आलू टमाटर भिंडी बरबट्टी 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और देख सकते हैं मार्केट अभी पूरा जितने खरीदने वाले थे बहुत कम हो गया है, ये देखो देख सकते हैं पूरा। और अपनी सब्जियां जो है थोड़ा थोड़ा बच गया भाई, पूरी सब्जियां जो है आज नहीं बिक पाया, अंधेरा हो गया है, 7 बज गया, इस वजह से सब तरफ देखिए। आ भैया भाटा 30 रुपये दे दो, बरबट्टी भी 30 है भैया, भिंडी 20 रुपये। थोड़ा थोड़ा सब्जियां जो है बच गया है, अब इसको थोड़ा सा मार्केट बचा है उसमें देखते हैं कुछ पाता है कि सामान का जो बचा है उसको उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं घर। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है सब थोड़ा थोड़ा बच गया है पूरा आइटम जो है, और देखिए पूरा खाली हो चुका है भाई साहब, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। प्रदीप भैया 1 किलो मखना 5 रुपये मांगे भाई, बता 5 रुपये 1 किलो मखना के? अरे दादा 5 रुपये भाई साहब, ऐसे मांगने वाले आते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बताएं। कैसा था भाई मार्केट आज का प्रदीप भैया? अरे यार अभी तो ठीक था, लेकिन यार मैं थोड़ा टमाटर में ना बहुत घाटा खा गया भाई, पूरा यार टमाटर मेरा बहुत रद्दी निकल गया था यार, कितना खराब निकला कम से कम यार, मतलब 2 करेट टमाटर में 3 करेट टमाटर 2 करेट हुआ भाई। चलो सामान को जो है अपना फाइनली अब उठाते हैं यहाँ से, फिर निकलते भाई साहब, बहुत लेट हो रहा है, 7:30 बज गया है, इतने का बेचे उसको घर चल के आप लोग को बताता हूँ भाई मैं। सो गाइस मार्केट से पहुँच चुके हैं घर, जस्ट प्रदीप भी अभी अभी छोड़ के गया मेरे को, और जो सामान है उसको देख सकते हैं पूरा इतना सारा जो बचा है, मतलब कि बात करें बरबट्टी देख सकते हैं आधा कैरेट बरबट्टी बच गया, भिंडी तो भिंडी भी बचा है मेरे पास 10 किलो, और टमाटर ले गया था 2 कैरेट टमाटर था उसमें आधा कैरेट टमाटर बच गया है, मतलब 1.5 कैरेट बिक गया है। भाटा जो है 3-4 किलो भाटा बचा है, और नीचे जो है 3-4 किलो परवल है, इसके अंदर जो है परवल रखा है नीचे से। अब जो सवेरे बचा हुआ है ना उसको सवेरे लेके जाएंगे बेचने, और इतना सारा सामान को इतने रुपये का बेचा हूँ। चलो रूम के अंदर पैसा को गिनते हैं, फिर आप लोग को बताता हूँ कितना रुपये सवेरे सबको बेच के बनाना है, चलो फिर। सो गाइस मार्केट से सब्जियों को कितने रुपए में खरीद के लेके आए थे, मतलब टोटल कितने सब्जियां बना था उसको बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक। तो आलू लेके आया था भाई 1050 रुपये बोरा में, 50 किलो का बोरा रहता है एक बोरा। टमाटर लेके आया था मैं 550 रुपये में 2 कैरेट, मतलब 1100 रुपये का। भाटा भिंडी खरीदा था भाई मैं 13 रुपये किलो में, 28 किलो भिंडी 364 रुपये का। भाटा खरीदा था 20 रुपये किलो में, 15 किलो भाटा 300 रुपये का। बरबट्टी खरीदा था मैं 22 रुपये किलो में, 17 किलो बरबट्टी 374 रुपये का। और मुनगा खरीदा था भाई साहब मैं 45 रुपये किलो में, 12 किलो मुनगा 540 रुपये का। परवल लिया था भाई 20 रुपये किलो में, 10 किलो मतलब 200 रुपये। और अपना 7 आइटम टोटल बनता है, मतलब कि 7 × 14 = 20 रुपये पर आइटम हिसाब से किराया, मतलब 140 रुपये का जो है बन जाता है अपना टोटल किराया। और सब्जियों को जो है सब्जियां जो है टोटल मिला के सभी बनता है भाई 4068 रुपये, मतलब मान के चलते हैं 4000, राउंड फिगर में 4000 मान के चलते हैं। मैं 4200 बोल रहा था लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो उस टाइम ठीक से जोड़ा नहीं था, अभी जोड़ा तब पता चला कि 4000 का ही सब्जियां जो है अपन लेके आए थे। तो 4000 की जो सब्जियां मैं लेके गया था उसको कितना बेचा हूँ, तो भाई साहब गिन के बता रहा हूँ मैं आप लोग को सीधा सीधा। और ये उन भाई लोग के लिए गिन के बता रहा हूँ यार, क्योंकि जो लोग सब्जियों का धंधा करते हैं जिनको लॉस हो रहा है उनको थोड़ा सा
मोटिवेशन मिले ये करके, आप लोग गलत वे में मत लेना, बस मोटिवेशन के लिए, ठीक। तो भाई 4000 की सब्जियाँ लेके गए थे, देखिए 5, 10 मतलब 500 का नोट है, 15, 20, 25, 30 मतलब 3000 रुपये हो गए, ये 32, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 मतलब टोटल 4000 का सब्जियां लेके गया था और आज की डेट में 4000 का सब्जियां जो है मैं बेच चुका हूँ, और जितनी सब्जियां अपनी बची है ना वो सभी है प्रॉफिट। मतलब बहुत सारी सब्जियां बची है भाई, उतना सब्जियों को कम से कम मैं 500 से ऊपर कहीं वो सब्जियां को मैं बेचूंगा। अब कितना का बेचता हूँ उसको तो मैं सवेरे ही आप लोग को बता पाऊंगा, क्योंकि सवेरे चलूंगा बेचने। तो आप लोगों से अब जो है मैं मिलता हूँ सीधा सवेरे सब्जी बेचने जाने के टाइम में, और कल जो है मैं कुल मिला के आप लोग को बताता हूँ कि कितने का प्रॉफिट जो है अपने को 4000 की सब्जी में होता है। तो मिलते हैं गाइस कल सवेरे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी जाने वाले हैं सब्जियां जो कल का बची हुई है उसको लेके बेचने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है अभी खाली है। तो चलो पहले सामान को फटाफट से गाड़ी में पैक कर लेते हैं, फिर चलते हैं भाई साहब बेचने के लिए। ये देख सकते हैं पूरा नीचे पड़ा हुआ है, जो सामान है वो मेरा, चलो पहले पैक कर लेता हूँ गाड़ी में इसको। तो गाइस पूरा सामान को जो है गाड़ी पे देख सकते हो बांध लिया है। आज जो है 4 कैरेट का सेटअप बनाया हूँ, देखो 4 कैरेट वाला, 2 कैरेट जो है ये अगल बगल में और ये 2 कैरेट जो है ऊपर। इस प्रकार से अपने गाड़ी को आज बांधा हुआ है भाई साहब, क्योंकि ऐसा कि सामान आज थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इस वजह से 4 कैरेट बांधा हुआ है। चलो अब चलते हैं इसको लेके बेचने के लिए और देखने कि इतने सारे सब्जियों को बेचने मेरे को कितना टाइम लगता है और कितने का जो है मैं बेचता हूँ। अभी 5:30 बज रहे हैं, आधा घंटा लग गया लगभग ये सब करने में। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है बेचने में, चलो फिर आगे मिलता हूँ आप लोगों से। ले भाटा परवल बरबट्टी भिंडी मुनगा टमाटर आवनगा। कोई नहीं दिख रहा है गाइस, देखिए पूरा मार्केट है, सुनसान लग रहा है, बुलाना पड़ रहा है फिर भी कोई आ नहीं रहा है। जल्दी जल्दी आवा, सब कोई आवा भाई, आवा आवा आवा, क्या कहना बतावा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और सब्जियों को बेचने के लिए मैं अपने गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर आया था, नंगोई गांव, और सभी सब्जियां जो बिक गई है। और 5:30 बजे निकले थे बेचने के लिए और अभी बज रहे हैं 8:30, मतलब कि 3 घंटा का टाइम लगा यार बेचने में, और ले दे के सब्जियां जो है बिकी। अब चलिए यहाँ से निकल रहे हैं घर, और घर पहुँच के आप लोग को बताता हूँ कि सब्जियाँ जो है कितने का मैं जो है बेचा हूँ, मतलब 4000 का जो सब्जियाँ लेके आया था उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो चलो घर में बताता हूँ भाइयों को, अभी चलते हैं घर। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9:15 कम है, और मार्केट सब्जियों को जो ले गया था उसको बेच के पहुँच गया घर। अब बात करें कितने की जो है मैं सब्जियों को बेचा, तो भाई साहब 4000 की सब्जियाँ थी अपन ने बेचा है इतने रुपीस का, अभी सवेरे गया था तो उसी को भी मैं इसी में मिला दिया हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो गिन लेते हैं कितने का बेचा सब्जियों को, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 4000, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, मतलब 4000 की सब्जियों को 4800 का बेचा भाई साहब, 800 रुपये का प्रॉफिट। 4000 की सब्जी में 800 रुपये का प्रॉफिट मेरे को हुआ, 4000 का तो कल ही बेच चुके थे, 800 रुपये का भी सवेरे बेच के आए, 2 दिन मेहनत करने के बाद 800 रुपये, लेकिन ऐसा फल मिला भाई साहब। जो भाई लोग सब्जी का भी बिजनेस कर रहे हैं, जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो उदास ना होए, क्योंकि ऐसा है यार कि धंधा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो जाता है बिजनेस में। अपने को अपने काम पे फोकस करना है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट होगा। मेरे को भी कभी कभी लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर अपन लोग काम पे अपने लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट उसका फल अवश्य मिलता है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं इन करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।